अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम आलम इस्लाम को, बिरादरान वतन और ख़ास कर गुलबर्गा हेडलाइंस के तमाम व्यूवर्स को मैं ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि हम और आप जानते हैं, पिछले दो साल कोरोना वायरस की महामारी के चलते तमाम मुसलमानों को रमज़ान के महीने में इबादतें करने में रुकावटें आई थी और ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने पर भी रोक लगाई गई थी। बहरहाल दो साल के बाद तमाम मुसलमान इस साल रमज़ान के महीने में दिल खोल कर इबादतें करते देखे गए हैं और ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर मोहब्बत बांटते नज़र आए हैं। जैसे कि हम और आप जानते हैं, मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हैं। मुल्क भर में मुसलमानों को टारगेट कर हर आए दिन धर्म की राजनीति की जा रही है। ऐसे हालात में गुलबर्गा हेडलाइंस के ज़रिए हम लोगों ने आपको ऐसे कई फुटेज बताए हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग एक साथ मिलकर रमज़ान के महीने में इफ्तार दावतों में नज़र आए और इफ्तार दावतों के ज़रिए उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो हर आए दिन धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और इसके अलावा ऐसे कई हिंदू, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग अपने अपने मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारे में मुसलमानों के लिए इफ्तार दावतें ऑर्गेनाइज़ की थी। और मैं उन लोगों को भी इस मौके पर ईद उल फितर के साथ, इस बार बसवा जयंती भी आई है तो ईद उल फितर और बसवा जयंती दोनों की मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।